What's up guys, I am Siddhanti, you are watching Siddhant India. Welcome back to my new video. और guys, इस video में आप लोगों के बहुत ही दो important questions के answer करने वाला हूँ. First question है कि मेरे को यहाँ पे internship कैसे मिली थी pandemic में. वैसे तो यहाँ पे around हमारी, अगर आप college का देखो cyber security में, तो around 15 to 20 students को internship मिलती है. But इस year pandemic की वजह से सिर्फ एक को ही मिली थी मेरे को, क्योंकि बाकी organization ने मना कर दिया था कि हम interns नहीं ले रहे हैं. मैंने बाहर से खुद सर्च करा, अप्लाई करा और फिर इंटर्नशिप मिल गई थी. तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने कैसे इंटर्नशिप ढूंढी थी और मेरे को कैसे मिली थी. और फिर मैं आपको सेकंड फेज में बताऊंगा इस वीडियो की 5 स्टेप्स आप लोगों को इंटर्नशिप कैसे मिल सकती है इजीली डबलिन में, आयरलैंड में, आईटी फील्ड में. और हाँ, मेरे को पता है आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि ये जो पीछे पार्क है इसकी वीडियो बनाओ, आपके घर के पीछे इतना अच्छा पार्क है, आप उसमें ब्लॉग क्यों नहीं बनाते. तो मैं उसमें भी ब्लॉग बनाऊंगा, होपफुली मैं कल जाके एक ब्लॉग बना दूंगा पार्क में आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट वीक तक होपफुली वो लाइव हो जाएगा. और अगर आपको मेरी वीकली एक्टिविटीज़ देखनी है, जहाँ पे मैं थोड़ी क्लिप्स डाल देता हूँ अपनी वीडियो की, पहले ही वीडियो रिलीज़ होने से पहले बता देता हूँ कौन सी वीडियो, और मैं लोगों से पूछता भी कि कौन सी वीडियो पहले रिलीज़ करूँ, तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. आईडी यहाँ पे लिखी आ रही है और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ, जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन्हें भी पता चल जाएगा. अभी मैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में जॉब कर रहा हूँ, और ये पीछे आपको मेरा ऑफिस दिख रहा होगा, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इसलिए यहाँ पे मैंने अपना मिनी ऑफिस बना रखा है. और मैं उसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी इंटर्नशिप लगी थी, उसी को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ. और मैं आप लोगों को ये भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि आप एक वीडियो बनाओ आपको जॉब कैसे मिली, उसका भी मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा. तो इंटर्नशिप मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने यहाँ पे आते ही स्टार्ट कर दी थी सर्च करनी फर्स्ट सेमेस्टर में. और फर्स्ट सेमेस्टर में लाइक मैं लिंक्डइन पे बहुत जगह सर्च करता था, या फिर ऑनलाइन भी ग्रेड इवेंट्स होते थे वहाँ भी गया था स्टार्टिंग में. जिनको नहीं पता, यहाँ पे ग्रेड इवेंट होता है, वहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज बैठी होती है, और आप वहाँ पे उनसे बात करते हो कि आपके पास क्या वैकेंसी है क्या नहीं है. और वहाँ भी मैं गया था और मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप सर्च करी थी. मेन जो था वो लिंक्डइन था जहाँ पे मैंने सर्च करी थी, और वहाँ पे मैं कनेक्शंस बनाता था, और मैंने बहुत सारे लोगों से कनेक्शंस बनाए, एंड फिर मैं सबसे बात करता था. एंड मैंने अपनी लिंक्डइन पर लिख भी रखा था लाइक आई एम सर्चिंग फॉर एन सीकिंग फॉर एन इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप, जिससे लोगों को पता चल जाता था मेरी प्रोफाइल देखते कि मैं अवेलेबल हूँ समर के लिए, इंटर्नशिप के लिए. और मैंने अपनी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी बना रखी थी, जहाँ पर मैंने लिख रखा था पूरा कि मैंने क्या क्या करा है. मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था, लाइक मेरे पास 0 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. मैं बीटेक करके यहाँ पर आया था, बट मैंने इंटर्नशिप्स करी हुई थी लाइक 3rd-4th ईयर में मैंने इंटर्नशिप करी थी साइबर सिक्योरिटी पे, क्योंकि मेरे को पता चल गया था 3rd ईयर में लाइक मेरा जो मेन इंटरेस्ट है वो साइबर सिक्योरिटी में, तो मैंने उसमें ही फोकस करा एंड इंटर्नशिप करी 3rd-4th ईयर में फुल. एंड फिर मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप स्टार्ट करी सर्च करनी, तो मेरे पास पहले बहुत सारी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस भी था, तो वो भी एक काउंट होता है कि आपने पहले बहुत इंटर्नशिप कर रखी है. फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई करा ऑनलाइन, लोगों से बात करी, एंड फिर मैंने अपना CV भेजा जिन्होंने कहा कि आप हमें अपना CV सेंड कर दो. एंड फिर एक कंपनी थी जिसमें मैंने अपना CV सेंड करा, और वहाँ से मेरे को कॉल आई लाइक हमें आपका CV अच्छा लगा है, क्या आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो. और मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड में ही रहता था अपने हॉस्टल एकोमोडेशन में, और वो पास में ही ऑफिस था. मैंने उनको बोला मैं कभी भी आ सकता हूँ, और फिर मैं अपना इंटरव्यू देने गया. आई थिंक जनवरी में मैं गया था, जनवरी में मैं इंटरव्यू दे के आया वहाँ पे. तो उन्होंने इंटरव्यू में सब कुछ पूछा मेरे से लाइक इसमें मेरा CV है, तो उनके पास मेरा ये CV था. और CV मैटर नहीं करता इतना, लाइक मैटर तो करता ही है, बट हाँ ऐसा नहीं होता है कि आप हर ऑर्गेनाइजेशन में अपना CV दो, आपने एक अच्छा सा बना दिया और वो सबको अच्छा लगे, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग पैटर्न होता है कि आपको कैसा CV चाहिए. तो आपकी किस्मत की बात है कि आपने जैसा CV बनाया हुआ और आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में दिया उन्हें अच्छा लग गया, और आपने जो स्किल्स डाल रखी है वो उन्हें अच्छी लग गई, तो आपको कॉल कर सकते हैं. और फिर उन्होंने मेरे को कॉल करा लाइक आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, और इंटरव्यू में उन्होंने मेरा ये CV रख रखा था, और इससे ही वो पूरा देख रहे थे लाइक मेरे को क्या एक्सपीरियंस है, मैंने कहाँ इंटर्नशिप करी हुई है, मैंने क्या क्या प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं. लाइक उन्होंने मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप ली और इससे पूछा कि आपने इस इंटर्नशिप में क्या कर रखा है. लाइक एक मैंने स्टार्टअप में इंटर्नशिप करी थी इंडिया में अपने 4th ईयर के स्टार्ट में, तो उन्होंने पूरा पूछा कि आपने उस इंटर्नशिप में क्या करा, आपने स्टार्टिंग का क्या रोल था, कैसे करा. तो वो स्टार्टअप था तो आपको पता ही उसमें ज़्यादा काम करना था, तो मैंने उसमें बहुत कुछ करा था, वो मैंने बताया, वो उन्हें अच्छा लगा. एंड फिर मैंने अपना भी एक स्टार्टअप करा था, वो मैंने उनको बताया, तो वो भी उन्हें अच्छा लगा कि इनको प्रोजेक्ट हैंडलिंग आता है, खुद का स्टार्टअप करा है तो ये बंदों से भी बात कर सकते हैं, उनको भी हैंडल कर सकते हैं. और मैं खुद ब्लॉग भी लिखता था, मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट थी,
तो उससे उन्हें लगा कि आर्टिकल्स अच्छे लिख सकता है, लाइक आर्टिकल्स तो नहीं लाइक रिपोर्ट बनानी होती है साइबर सिक्योरिटी में, अगर आपने कुछ टेस्टिंग करी तो आप उसकी रिपोर्ट बना के देते हो तो वो रिपोर्ट भी आप अच्छी बना सकते हो, उससे उन्हें लगा। और फिर मैंने और भी इंटर्नशिप्स करी हुई थी साइबर सिक्योरिटी में, जिसमें मैंने वर्नेबिलिटी असेसमेंट पेन टेस्टिंग करी थी, तो उनसे वो पता चला कि मैं साइबर सिक्योरिटी में भी टेस्टिंग कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरी सारी इंटर्नशिप्स का पूछा कि आपने इसमें क्या कर रखा है और आपने प्रोजेक्ट्स में कैसे करा, क्या रोल था आपका, कैसे आपने हैंडल करा। लाइक अराउंड 1 आवर कुछ मिनट्स का इंटरव्यू हुआ था, और उसमें उन्होंने मेरे से पूरा पूछा, और उसमें उनको लगा कि हाँ इस बंदे ने कर रखी है चीज़ें और ये हमारे को बेनिफिट दे सकता है। तो उन्हें उन्होंने फिर मेरे को कॉल करा, लाइक आप इंटर्नशिप कर सकते हो बाद में, जब उन्होंने एसेस करा। बट फिर कोविड की वजह से वही था कि कंपनीज बंद हो गई थी तब, तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। बट हाँ, मैंने 1-2 वीक्स लेट स्टार्ट हुई थी इंटर्नशिप कोविड की वजह से, बट फिर मेरे को इंटर्नशिप फाइनली मिल गई थी और फिर मैंने वहाँ पर इंटर्नशिप करी। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 स्टेप्स इजीली जिनसे आपको भी इंटर्नशिप मिल सकती है। मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और मैंने इस लैपटॉप में नोट डाउन कर लिया सारे पॉइंट्स ताकि कुछ भी रह ना जाए, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से सब बता सकूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है मेक योर लिंक्डइन स्ट्रांग। आपको अपना लिंक्डइन बहुत स्ट्रांग बनाना है, आपको अपना वहाँ पे सारा शोकेस करना है, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल है एक, आपको वहाँ पे अच्छे से शोकेस करना है कि आपको क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या क्या इंटर्नशिप्स कर रखी है, क्या क्या जॉब्स कर रखी है, आपको वो सारा डिफाइन करना है। और यूँ नहीं है आपने खाली लिख दिया कि आपने इसमें जॉब कर रखी है जी है, आपको उसको फर्दर पूरा डिफाइन करना है, आपने उस जॉब रोल में क्या करा, आपके पास सर्टिफिकेशंस क्या क्या है, आपके पास डिग्रीज क्या क्या है, आपको सारा अच्छे से लिखना है ताकि कोई आपकी प्रोफाइल देखे तो उसको एक अच्छा लगे कि हाँ ये अच्छी सी प्रोफाइल है। और सेकंड पॉइंट अब आता है कि आपको जितने भी कनेक्शंस बना सकते हो आपको बनाने हैं। आप जिस सिटी में जा रहे हो, लाइक आप डबलिन में आ रहे हो, तो आपको डबलिन में जितने कनेक्शंस आप बना सकते हो आईटी फील्ड में, एचआरस हो गए, रिक्रूटर्स हो गए, और भी बाकी जितने भी पोस्ट के हो गए, आप सबसे कनेक्शंस बनाइए, और फिर आप लाइक उनसे कनेक्शंस बनाएंगे तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे इंटर्नशिप मिलने के। और वो कैसे हो जाएंगे तो वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। थर्ड पॉइंट है कि आपको अपनी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे ऊपर ऊपर लिखना है सीकिंग फॉर समर इंटर्नशिप। लाइक आप समर इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तो आपको साफ साफ लिखना था कि कोई भी आपकी प्रोफाइल सबसे पहले खोले तो उन्हें पता चले कि आप समर इंटर्नशिप के लिए ढूंढ रहे हो। इससे मेरे को बहुत फ़ायदा होता है। लाइक मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आए थे दिसंबर में कि आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तो आप अपना CV हमें कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, हम अपने HR को या किसी को देंगे और वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। इससे बहुत फ़ायदा होता है। और ये आपको वो मैसेज कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फोर्थ पॉइंट में, आप किसी भी कनेक्शन से कनेक्ट होते हो तो आपको एक ग्रीटिंग मैसेज भेजना है। लाइक मैं भेजता हूँ, वो मैं मैसेज आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। मैं मैसेज लिखता हूँ हर कनेक्शन को, हाय थैंक्स, हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ योर लिंक्डइन नेटवर्क, लेट्स स्टे कनेक्टेड एंड एक्सप्लोर म्यूचुअल प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। और नीचे मैं अपना सिग्नेचर डालता हूँ कि मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, और वो मैसेज मैं भेज देता हूँ, जिससे एक आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है और अगले बंदे को भी अच्छा लगता है, और फिर वो भी आपको सेम मैसेज या ऐसा कुछ लिखता है जिससे आपकी एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, और एक आप रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हो अपने कनेक्शंस के साथ, और फिर आप उनको फर्दर पूछ सकते हो। 5 स्टेप में मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। तो 5th स्टेप में, लाइक आपको हमेशा एक्टिव रहना है, आपको देखते रहना है, कहीं भी आपको दिखे कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी है, इंटर्नशिप है, जॉब है, तो आपको अपने सारे कनेक्शंस मिल जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि आपने बहुत सारे कनेक्शंस बना रखे ऑलरेडी, और फिर उन कनेक्शंस के साथ आप बात कर सकते हो, लाइक हमने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये जॉब रोल देखी है, ये वैकेंसी है, क्या हम अपना CV भेज सकते हैं आपको, या फिर आप बता सकते हो हम किसे अपना CV भेज सकते हैं ताकि हम इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकें। आपकी पहले उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप हुई होगी क्योंकि आपने पहले उनसे बात करी हुई है, तो वो आपको रेफ़र कर देंगे कि आप यहाँ पे अपना CV सेंड कर सकते हैं, आप इनको अपना CV सेंड कर सकते हैं, उससे आपको एक पॉजिटिव बेनिफिट मिल जाएगा। और ये बातें कोई बताता नहीं है, लाइक बहुत रिसर्च करने के बाद ही आप लोगों को पता चलती है छोटी छोटी बातें ही, बट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ये चीज़ें करोगे तो जॉब मिलना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, और आपको एक बस खुद में विश्वास रखना है कि आपको जॉब मिल जाएगी। मैं ऐसा ज्ञान नहीं दूंगा ज़्यादा, बट हाँ बात यही थी, 5 पॉइंट्स थे ये जिससे आपको जॉब मिल सकती है इजीली। अगर आपने ऐसा करा और आपको जॉब मिली तो आप ज़रूर मेरे को यहाँ पे कमेंट करके बताना नीचे, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। एक अच्छा लगेगा अगर एक भी बंदे को इससे जॉब मिल गई या इंटर्नशिप मिल गई तो। तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो। मेरे को पता है इसके बाद आप में से बहुत लोग पूछोगे कि आप अपनी लिंक्डइन शेयर कर दो, पहले भी लोग पूछते हैं,
तो अब मैं अपनी लिंक्डइन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके मेरी लिंक्डइन चेक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम भी। और मेरे लिंक्डइन पे अराउंड 5000 कुछ कनेक्शंस है, तो आप लोगों को भी इतने कनेक्शंस बनाने हैं, और अगर आप लोगों के इतने कनेक्शंस है या इससे ज़्यादा तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक कमेंट जरूर कर देना, मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं। होप यू गाइस लाइक द वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बग Hope you guys liked the video. If you did, don't forget to give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe the channel. इधर है, और don't forget to press the bell notification on, जिससे आपको पता चल जाएगा when my next vlog goes live. And I will see you guys in the next video.